हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में 22वीं अकेडमी काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परीक्षा नियंत्रण शाखा पर विश्वसनीयता के लिए अहम निर्णय लेने के साथ साथ बीटेक पुराना पाठ्यक्रम के छात्रों को री अपीयर में गोल्डन चांस देने के लिए निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय के डीन अकेडमिक प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने बताया कि आगामी दिनों में विश्वविद्यालय में योगा और जर्नलिज्म के कोर्स भी छात्र कर सकेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय आने वाले समय में सभी महाविद्यालयों की रैंकिंग करेगा एवं हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक महाविद्यालय का अपना शोध प्रयोगशाला हो। चंदेल ने कहा कि शोध को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय काम करेगा और इसके लिए तकनीकी विश्वविद्यालय कैंपस में शोध केंद्र स्थापित किया गया है ताकि तकनीकी खामियों को पूरा किया जा सके और पीजी कोर्सेज वाले कॉलेजों में शोध का काम भी किया जाएगा। इस बैठक में प्रोफेसर एसपी बंसल कुलपति, बच्चन सिंह कुलसचिव, प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल डीन, प्रोफेसर डीपी तिवारी, प्रोफेसर एमके झा, प्रोफेसर राजकीय अवस्थी, प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया, डॉक्टर एमएस अशावत, सुनील वर्मा तथा डॉक्टर आशीष अरोड़ा इत्यादि शामिल रहे। एक और जहां आज से ऐतिहासिक पंडल मैदान में पुलिस भर्ती शुरू होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों युवा ऐसे हैं जो इस भर्ती से वंचित रह गए हैं। हालांकि इन युवाओं का तर्क है कि इन्होंने पुलिस की भर्ती के लिए विधिवत रूप से ऑनलाइन फॉर्म भरा था, फीस भी जमा करवा दी थी और सभी औपचारिकताएं पूर्ण की थी। बावजूद इसके पुलिस की वेबसाइट से इन युवाओं का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है, जिससे ये युवा भर्ती से वंचित रह गए हैं। इन युवाओं में भर्ती से वंचित रहने पर सरकार व पुलिस प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्याप्त हो रहा है। अपनी समस्या को लेकर भर्ती से वंचित रहे युवाओं का एक प्रतिनिधि मंडल एडीएम मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम मंडी को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की जांच कर एडमिट कार्ड के कारण वंचित रहे युवाओं को भर्ती में शामिल होने का मौका देने की गुहार भी लगाई। भर्ती से वंचित युवाओं का आरोप है कि पुलिस भर्ती के लिए दी गई पुलिस की वेबसाइट सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत धीमा चल रहा था, जिस कारण इन्हें 5 से 6 दिन तक कड़ी मशक्कत कर फॉर्म भरना पड़ा। इन युवाओं ने बताया कि सर्वर डाउन रहने के बावजूद पुलिस ने समय अवधि बढ़ाने की बजाय साइट ही बंद कर दी, जिससे कई युवा भर्ती का फॉर्म भरने से वंचित रह गए। इन युवाओं का आरोप है कि जिन युवाओं की फीस जमा हो चुकी है तो इन्हें पुलिस विभाग द्वारा भर्ती से वंचित रखने का कारण समय पर क्यों नहीं बताया जा रहा है। एडमिट कार्ड ना मिलने के कारण पुलिस भर्ती से वंचित रहे इन युवाओं ने भर्ती की तिथि बढ़ाने और इन्हें एडमिट कार्ड जारी कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की परमिशन देने की मांग उठाई है। यहां तक कि युवाओं ने सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और नाराजगी जाहिर की है कि युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। युवाओं का आरोप है कि युवा पीढ़ी ने जयराम सरकार को बहुमत इसलिए दिया था कि वे युवाओं के साथ इंसाफ करेंगे, मगर अब पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली से खफा इन युवाओं ने सरकार की ही कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। वायरल वीडियो से साफ लग रहा है कि किस कदर शिक्षा के हब बने हमीरपुर जिला में नशे का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कम उम्र के युवा नशे के चपेट में आ रहे हैं। ताजा मामले में बड़सर क्षेत्र के एक कॉलेज के छात्र सुनसान जंगल में महंगा नशा करते हुए देखे गए हैं और करीब 5 मिनट के वायरल वीडियो में युवा महंगे नशे की एप्स में पैसों की मांग भी करते नजर आए हैं। वायरल वीडियो से साफ लग रहा है कि किस कदर शिक्षा के हब बने हमीरपुर जिला में नशे का मकर जाल पसरा हुआ है।
वहीं इस वायरल वीडियो में युवा सिरिंज से इंजेक्शन लगाने के लिए बातें कर रहे हैं, तो 1000 रुपए की मांग भी दूसरे युवा से की जा रही है। इस तरह स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र नशे के गिरफ्त में फंसे हुए हैं। इसका पता इस वीडियो से चल रहा है, क्योंकि बेखौफ होकर युवा सुनसान जगह पर खतरनाक नशे का सेवन कर रहे हैं। इस बारे में हमीरपुर एसपी अजित सेन का कहना है कि युवाओं का नशा करने वाला वायरल वीडियो की पुलिस पड़ताल कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये किस कॉलेज के हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस हर वक्त नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई करती है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस युवाओं के साथ साथ नशे बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी।